नमस्कार दोस्तों, ये सवाल है। देख लीजिए, 12 काठा बराबर कितना वर्ग गज होता है। पूरा वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक काठा बराबर, वन काठा इज इक्वल टू 1361.25 वर्ग फीट होता है। एक काठा बराबर 600 वर्ग फीट भी होता है और 700 वर्ग फीट भी होता है, 2800 वर्ग फीट भी होता है, लेकिन अधिकतर उपयोग करते हैं, अधिकतर स्थानों पर 1361.25 वर्ग फीट को देख लीजिए, इसको जानेंगे। और विश्व का मान भी 1361.25 वर्ग फीट होता है, वहां के भी देख लीजिए, बहुत ही आसानी से वर्ग गज में कन्वर्ट करेंगे। 12 काठा बराबर कितना वर्ग गज या 12 विश्व बराबर कितना वर्ग गज, एक वर्ग गज बराबर जानते हैं, एक वर्ग गज, एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होता है। 9 वर्ग फीट, एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट, तो एक वर्ग फीट बराबर कितना वर्ग गज, इसके लिए एक वर्ग फीट, एक वर्ग फीट बराबर 1/9 वर्ग गज, वर्ग गज। 1/9 को यदि भाग करेंगे तो आंसर इसका आता है 0.11111111111, ये इसको 10 डिजिट लिख लीजिएगा, इतना वर्ग गज होता है, वर्ग गज एक फीट बराबर, इसको याद कर लीजिए, एक वर्ग फीट बराबर इतना वर्ग गज। अब 1361.25 वर्ग फीट बराबर 1361.25 वर्ग फीट बराबर स्क्वायर FT बराबर 1/9 गुणे 1361.25 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, बराबर 151.25 वर्ग गज। एक काठा बराबर 151.25 वर्ग गज होता है एक काठा। अब इसे 12 से गुणा कर दीजिए, 12 काठा का जानना है तो 12 गुणे 151.25, इस तो आंसर आता है 151.25 गुणे 12, गुणा कर लीजिए 1815, 1815 वर्ग गज 12 काठा बराबर, लिख लीजिए 12 काठा बराबर 1815 वर्ग गज होता है। और दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, यदि इससे गुणा करेंगे 1361.25 को, लिख लीजिए 1361.25 गुणे 0.11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 1
151.25 वर्ग गज, इतना वर्ग गज निकलता है दोस्तों। अब 20 काठा बराबर
एक बीघा होता है स्टैंडर्ड बीघा, इसको 20 से गुणा कर दीजिए, 151.25 गुणे 20 कर दीजिए बराबर 3025 वर्ग गज, वर्ग गज बराबर एक बीघा। इस तरह से आसानी से 600 वर्ग फीट यदि है उसे भी जान सकते हैं, 600 वर्ग फीट के काठा से, 2800 वर्ग फीट के काठा से भी जानेंगे, 700 वर्ग फीट के काठा से भी आसानी से वर्ग गज में बदल सकते हैं इजी तरीका से। हमारे चैनल के सभी वीडियो को देखेंगे तो आसानी से इजी तरीका जानेंगे। सभी वीडियो को देखिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।